ये 2 दिन ही सारे हैं क्योंकि 20, 21 और 22 तक है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि कल ही जो है इस मामले में अदालतें जो है हमें पाकिस्तान की जो अदालत आलिया हाई कोर्ट्स हैं जो, वो हम उनसे ये इंजंक्टिव ऑर्डर्स इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हासिल करने की कि इस तरह जो है किसी कैंडिडेट के कागजात नामजदगी के हसूल और उसके जो है तकमीली मराहिल और उसके दाखिल करने पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और उस के लिए वो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के उस अमले को बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को और हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत के जितने ये मुतालिका महकमा जात हैं उनको भी हम फरीक बना के, तो हम ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन हमारे उम्मीदवारान को तहफ़ुज़ हो। अभी से इतनी खाइफ है हुकूमत, यानी इतनी खाइफ है ये जो है माशाल्लाह। अब ये आपने देख लिया कल जो उन्होंने बार काउंसिल से, पाकिस्तान बार काउंसिल से और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से करारदादे मंजूर करवा के आपके नज़र की गई, जिसमें मोहतरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मोहतरम नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से किस तरह से फरार की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि पहले तकमीली मराहिल जो है वो मुकम्मल किए जाएं, भले तारीख आगे पीछे बेशक कर लें, लेकिन जो है अब उनको डीलिमिटेशन पर अब एतराज़ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सीटों के जो है मसलन मिसाल दी उन्होंने कि जनाब आपने जेहलम की 2 सीटें कर दी और उसी आबादी की हाफिज़ाबाद में आपने 1 सीट रखी है, और ये सारी चीज़ आप भी समझ रहे हैं कि हाफिज़ाबाद में उनके जो है माशाल्लाह सबका वजीर कानून का वो घर है, अपने घर में अगर वो 2 सीटें करवाना चाहते हैं तो बाहर के ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तारीख भी उनकी मर्ज़ी की हो, रिटर्निंग ऑफिसर्स भी उनकी मर्ज़ी के हों, इलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी से हो और तमाम जो है जो सरकारी इदारे हैं वो भी उन्हीं के ताबे चलें, तो इस तरह का वो जो है इलेक्शंस माशाल्लाह करवाना चाहते हैं, और ये जानते हैं कि उनका मुखालिफ भी कोई लड़ने वाला ना रह जाए, ये इस हद तक खौफ है उनको कि इतनी सारी जो है बरियत लेने के बाद भी उन्हें अभी भी ये यकीन है उन्हें कि अगर पीटीआई और बल्ला जो है का निशान और कैंडिडेट्स इनके बदस्तूर इलेक्टोरल प्रोसेस में और इनकी फहरिस्तों पर हुए 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी को जो है माशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और उसे कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। सूरत हाल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके कागजात भी जमा नहीं होने दिए जा रहे हैं, अब आज रावलपिंडी पुलिस ने भी कुछ 63 नाम दिए हैं जिनमें आपके सबक MNA MPS है जिनको गिरफ्तार करने के हवाले से इंसाफी नशीली अदालत से जो दरख्वास्त दी है, इस सूरत हाल में जब मजीद गिरफ्तारियाँ नज़र आ रहा है तो होने जा रही है और हालात मजीद कशीदा होने जा रहे हैं, तो इसमें क्या आप नहीं समझते कि ये आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है कि PTI को बैन कर दिया जाए? ऐसी देखिए, किसी पार्टी को बैन करने का तो अब वक्त ही गुजर चुका है, ख़त्म हो चुका है, और बैन करना वैसे भी एग्जीक्यूटिव की डोमेन में नहीं आता है, आपको पता ही है ये आईन के अंदर इसको मुंदर्ज किया गया है, और सुप्रीम ये एक वफाकी हुकूमत जो है वो एक डिक्लेरेशन देगी और ये वफाकी हुकूमत के दायरा अख्तियार में है ही नहीं, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो ये सिर्फ डे टू डे बिजनेस कर सकते हैं, ये मेजर डिसीजन है जो हुकूमतों के केयर टेकर हुकूमत के अब केयर टेकर है, चेयर टेकर तो वैसे मैं इसे कहता ही हूँ, लेकिन ये इनके दायरा अख्तियार में नहीं है। सो बैन वाला तो ये ख्वाब जो है ना, ये दीवाने वाला ख्वाब है, इसको तो जहन से ही निकाल देना कोई के बैन कर सकते हैं, वो यही हथकंडे हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन हथकंडों के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं, हम अदालती तौर पर भी दिफा करेंगे और अगर किसी को गिरफ्तार कर लेंगे तो जेल से भी वो लड़ेगा इलेक्शन, और इमरान खान के भी कागजात नामजदगी हम दाखिल करने जा रहे हैं और इमरान खान भी इलेक्शन लड़ेगा, रोक के दिखाएं, रोक सकते हैं तो